श्री राम जय राम। जय बालाजी महाराज भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही गजब का अतुल्य अनुभव लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हमारे चैनल जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, कुछ एकाध चीज़ मिस हो सकते हैं लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको बताऊँगा, ठीक है। और नाम मेरे को लेना सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। किसी बहन का नाम लेना सही नहीं। हाँ, तो ये बात है बहुत समय पुरानी। उन्होंने बताया कि अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी और चलते चलते किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिविटी छुड़वा दी। उसके बारे में भी अभी कहानी के बीच में बताऊंगा आपको। इनकी लाइफ तहस नहस हो गई, इनकी जो शादी वाली लाइफ होती है ना, मैरिड लाइफ, तहस नहस हो गई। हस्बैंड से लड़ाई झगड़े बहुत बुरी तरह होने लगे, बहुत बुरी तरह, कोई हिसाब नहीं है। हस्बैंड को देखते ही गुस्सा आना शुरू, ये प्रॉब्लम हो गई इनको। इनके ये सब समस्या चल रही थी, बच्चे भी थे, बच्चा भी था इनके, बेटी है, और ये प्रॉब्लम चलती रही। इनकी वाइफ की लड़ाई, इनकी लड़ाई इनके हस्बैंड से हो गई, और लड़ाई होने के बाद एक समय ऐसा आया कि ये अलग हो गए। ये अपने पापा के पास आए और उन्हें, इनके हस्बैंड ऐसी चीज़ों के बारे में मानते नहीं थे कि भाई कोई नेगेटिविटी की कोई चीज़ इस तरह की होगी या कुछ इस तरह का होगा, इनको भी नहीं मालूम था। और जिसने भी इनके ऊपर कराया वो इतना भयंकर तरह का वशीकरण था, जो इनका दिमाग सारा उसके बारे में सोचते रहती थी। हस्बैंड नहीं थे, किसी और के बारे में सोचती रहती थी सारा सारा दिन, अकेले कमरे में बंद होके अंधेरा करके उसी के बारे में सोचती रहती थी 24 घंटे सातों दिन। दिमाग पागल हो गया था। ऐसे में क्या करते हैं, लाइफ स्पॉइल, लाइफ बर्बाद। हस्बैंड अपना ड्यूटी पे जा रहे हैं, ये अपने घर में पड़ी हुई है टेंशन में, परेशानी में। फिर एक समय आया जब इनको किसी भगत को दिखाया गया। जब हर चीज़ों से हार जाते हैं तो आखिर में भगवान के भगत को दिखाया जाता है, तो हनुमान जी के किसी भगत को दिखाया गया। तो ये हनुमान जी के भगत को दिखाने के लिए जब गए इनके पिताजी अपने मायके की तरफ से, मतलब पिताजी जाग गई होंगी, तो जब गई हैं तो उस भगत ने देखते ही बोला कि इनके साथ ऐसी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि उसकी गंदगी मैं सहन नहीं कर पा रहा। फिर भी उसने इनकी आंखों में देख करके कुछ नेगेटिविटी इनकी 20% तक कम की, समझ रहे हो, 20% तक आराम आया। लेकिन लाइफ ऐसी कैसी। फिर एक समय आया जब इनके दिमाग में बातें आईं, इनकी सुलह कराई गई इनके हस्बैंड के साथ। जब सुलह कराई तो ये उनके साथ रहने लगी, जबकि 20% तक ही समस्या इनकी सॉल्व हुई थी, रहने लगी। लेकिन इनका कहना ये है कि हस्बैंड को देखते ही इतना गुस्सा आता था कि ये कर दूँ और ये कर दूँ, नफरत सी हो जाती थी इनको हस्बैंड से देख के। और लेकिन जिसने वशीकरण कराया था उसके बारे में दिमाग में इनकी बातें चलती रहती, जबकि ये चाहती नहीं थी ऐसी कोई भी बात। फिर भी वशीकरण ऐसा ही होता है दोस्तों, आपके ऊपर कोई गलत क्रिया कर देता है, कोई भूत प्रेत आपके साथ लगा देता है, जिंद आपके साथ लगा देता है, वो जिंद आपका दिमाग ऐसा पलट देता है कि आप उल्टे ही काम करते हैं। तो इनके वाइफ को इतनी, इनके हस्बैंड से इतनी लड़ाई होती थी, गाली गुपचा भी ये दे देती थी। इनके हस्बैंड बहुत परेशान, दोबारा इनकी लाइफ स्पॉइल होने के लिए तैयार थी, शादीशुदा लाइफ टूटने के लिए तैयार थी। फिर इनके हस्बैंड को बुला करके समझाया गया कि इनको नेगेटिविटी की समस्या है। तो इनके हस्बैंड को लगाए झूठ बातें, क्योंकि वह ऐसी चीज़ों को मानते नहीं थे। फिर क्या हुआ, इनकी वाइफ को इनके हस्बैंड ही, इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक बार तुम वहाँ पे ले जाओ, भगत जी के पास लेके चलो। भगत जी के पास लेके गए, ले तो गए कि चलो मैं ले चलता हूँ, देखता हूँ आखिरी ऑप्शन क्या, पता सच में ही ऐसा हो। तो वो ले गए, भगत जी ने और इनका इलाज किया और बताया कि इनके साथ
कितनी गंदी चीज़ है आप समझ नहीं सकते। इनके हस्बैंड को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने बताया इनके साथ खबीस जिंद जैसा ही होता है, खबीस भेज रखा है, जो कि अपने स्पर्म से अभिमंत्रित करके, गंदगी से अभिमंत्रित करके इनके ऊपर छोड़ा गया है, इसलिए इनके दिमाग में ऐसा हो गया, समझ रहे हो। तो इनके हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ, बिलीव हुआ, इनके उन्हीं भगत जी ने इनका, इनकी वाइफ का कुछ और भी क्रिया की उनके ऊपर, तो करीब 60% तक इनकी वाइफ को आराम मिल गया। जब घर पे गई हैं तो इनके हस्बैंड ने देखा, 60% बहुत होता है, 60% मतलब 50% से ज़्यादा, तो इनकी वाइफ में, उनके हस्बैंड ने इनके अंदर बहुत बदलाव देखे, बहुत बदलाव देखे, तो उन्हें लगा कि हाँ बात सच है, और वो हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी की तरफ इनका झुकाव हो गया। कष्टभंजन हनुमान जी यहाँ के यहाँ पे गई हैं अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ रुकी हैं, दर्शन करे हैं, जो भी समस्या थी वो बताई उन्होंने, पूजा पाठ बताया कितने समय, 21 दिन की पूजा आपको करनी है, वो इन्होंने की अपने घर पे आके, जो वो बताते हैं ना वहाँ पे, वो इन्होंने की, आराम लगा 80% तक, 20% आराम नहीं लगा, 20% आराम नहीं लगा इनको, वो चीज़ इनकी आंखों के सामने आ जाती थी और ठीक है गलत होता था, बहुत कुछ, बहुत परेशान थी, पूरी ठीक नहीं थी, आपके सिर में दर्द है, दर्द ठीक हो गया 80%, 20% नहीं तो 20% आपको परेशान करता रहेगा, दिमाग में चोट मारता रहेगा, वैसे ही था, 20% की समस्या सॉल्व नहीं हुई, वो चीज़ थी कहीं ना कहीं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मैं हनुमान जी के शरण में जाऊंगी, इतनी ठीक हुई हूँ तो हनुमान जी की वजह से ठीक हुई। इन्होंने YouTube, इन्होंने खुद का बताया हुआ है, मैं किसी चीज़ की बढ़ाई नहीं करता, मैं सच्ची बोलता हूँ, जो भी इस चैनल में बोला सच्ची बोला, अपनी बुराई भी करी तो सच्ची बोला है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बताया कि YouTube पर सर्च कर रही थी, सर्च करते करते एक चैनल दिखाई दिया इनको, कई चैनल दिखे, कई चैनल देखे भी, लेकिन एक चैनल इनको समझ में आया, वो था बालाजी कृपा, उस चैनल से ये जुड़ी। इन्होंने करीब 2-3 दिन में सारी वीडियोस लगभग सारी देख डाली, इनको लगा कि इस चैनल में कुछ सच्चाई है, इनको लगा होगा, मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो इन्होंने हनुमान जी का हनुमान पाठ विधि वाला जो है 11 हनुमान चालीसा वाला, वो क्यों उन्होंने किया, घर में ही किया, इनको आराम लगने लगा, बहुत आराम लगने लगा। फिर उन्होंने जल विधि करी हनुमान चालीसा से, इनको आराम लगा और इनके शरीर में चेंजेस आए, जिस तरह की चेंजेस पहले नहीं थे, ठीक है। और बजरंग बली कृपा कष्टभंजन जी, हनुमान जी की महाराज की कृपा इन पर थी, लेकिन वहाँ हमेशा तो जा नहीं सकती ना, है ना। तो इन्होंने ये सोचा ये जुड़े इस चैनल से, और जुड़ने के बाद इन्होंने एक चीज़ देखी, इन्होंने कुछ समय बाद हनुमान जंजीरा वाला मंत्र देखा हमारे चैनल से, वो इन्होंने पढ़ा, इनको 95% तक आराम हो गया, जहाँ 80% था, उसका जाप करने लगे, बहुत ज़्यादा करने लगे, करते रहे 21 दिन की साधना हनुमान जंजीरा की है इन्होंने। और उस दौरान इनको आधी नींद में और आधी आँख खुली में, मतलब जब सोते हैं और जगे होते हैं, उसमें बीच में एक पॉइंट होता है, वहाँ पॉइंट पे इन्हें कई बार हनुमान जी दिखे, इनके कमरे में गदा लेकर खड़े हैं, और वो चीज़ भागती नजर आई है, जो चीज़ थी, तो इस समझ गए कि हनुमान जी ही भगाएंगे इसको। कई बार देखा उन्होंने, कई बार राम जी, काली माता, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, बहुत बार दिखे इनको, पूजा करते समय दिखे, क्यों, हनुमान जंजीरा करते करते, पूजा पाठ करते करते, इनको मन भाव इतना मजबूत कर लिया, इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। सो रही होती है तो आधी जगी होती है, जब उस हालत में इनको प्रभु के दर्शन हुए कई बार हनुमान जी महाराज के, 95%, अभी 100 भी बताऊंगा। इन्होंने बोला मैंने 21 दिन की साधना हनुमान जंजीरा की, मुझे आराम मिल गया बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ बीच में कभी कभी आ जाती थी। फिर इन्होंने हमारी वीडियो देखी, जल विधि की इन्होंने, वो अपनाई हनुमान जंजीरा मंत्र से जल विधि की इन्होंने, और वो जल विधि का जल पिया इन्होंने। मैं बताता हूँ कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, उसमें एक जल तत्व भी है, जब जल तत्व में हम हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र अभिमंत्रित करके उस जल को आपके शरीर में डाल देंगे, तो बाकी सारे तत्वों को भी स्वच्छ कर देगा, तो कहाँ नेगेटिविटी रहेगी शरीर में तुम्हारे, भाग चुकी है, निकल चुके हैं शरीर से, 100% आराम है इनको,
जल विधि से, हनुमान जी रस जल विधि से। जब ये तो कहता हूँ करो, उन्होंने परहेज करे, दीपक जलाया, पूजा करी, पाठ करी, हनुमान जी के मंदिर गई, क्या क्या किया उन्होंने, आज फ्री हैं, खुद ठीक हो गई हैं, खुद बजरंगबली के पास ठीक हो चुके हैं। अच्छा और सुनो, अब वो चीज़ इन्हें नहीं दिखती है, और हनुमान जी का जाप करते 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 शरीर में इतनी गर्मी आ गई, आंखें लाल हो गए, क्योंकि उस मंत्र में बहुत गर्मी है। उन्होंने हमसे उस समय बात नहीं की, नहीं हम बताते हैं इनको कि सीताराम का जाप करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन घबरा गई हैं, आंखों में डालने वाली दवाई ली, आराम पड़ा। फिर किसी को दिखाया, उसने बताया कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, आपको दिखना शुरू हो चुका है। उन्होंने बोला हाँ, कि बस आप मंत्र इतना कर रहे हैं, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो इन्होंने कुछ दिन बंद कर दिया, फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने बोला कि इतना मत कीजिए, आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप कम कीजिए, 11 करिए रोज़, या 21 करिए रोज़, या 11 सुबह 11 शाम कीजिए रोज़। अब इन्होंने ये अनुभव लिख के भैया जो मैंने आपको बताया, वो खबीस जैसा गंदा, जो किसी के स्पर्म से बनाया गया उसको अभिमंत्रित करके इनके ऊपर भेजा गया, इतनी गंदी चीज़ को हनुमान जी ने हटा दिया। और क्या लोगे आप बोलते हो गंदी चीज़ हनुमान जी नहीं हटा सकते, इससे बड़ा कोई अनुभव है बताओ जरा, इतनी गंदी चीज़ को हनुमान जी ने हटा दिया। हनुमान जंजीरे से हटी वो, कृष्णभंजन जी के आशीर्वाद से हटी वो, जलविधि से हटी वो, इनके विश्वास से हटी वो, इनके भक्ति भाव से हटी वो। और कई बार इनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए, लेटी हुई दिख गई है, पूजा करने आ रही है, अरे बाबा मेरे पीछे खड़े ऐसे दिखे इनको, क्यों नहीं आराम होगा इनको। इन्होंने बताया मुझे, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मैं क्या बताऊँ आपको इस चैनल पर, बहुत ज़्यादा शक्ति इनको इनके अंदर आ चुकी है, और इनको बहुत कुछ मालूम चल जाता है, पहले रोशनी दिखती है यहाँ पे इनको आँख बंद करने के बाद, और इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, इनके पति के साथ आराम से रहती है खुशी खुशी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गुप्चा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई कुछ नहीं, लाइफ इनकी पहले सेट हो चुकी है, वो प्रॉब्लम भी कट चुकी है। जिसने भी इनके ऊपर गलत क्रिया की होगी उसका तो खैर नाश ही हुआ होगा, क्योंकि किसी की शादीशुदा लाइफ को स्पॉइल करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो ये अनुभव था जो बजरंगबली महाराज ने कर दिया सही, इनकी मेहनत की वजह से, इनके विश्वास की वजह से, और बजरंगबली महाराज इनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भी ये कामना करता हूँ, आपकी तरफ से भी ये आशीर्वाद इनको दे देता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।